चुनावी कवरेज में न्यूज चैनल्स की जिम्मेदारी खबर दिखाना तो है ही, इसके साथ ही सिस्टम के प्रति जवाबदेह होना भी है। न्यूज स्टेट ने उन सभी जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा किया। चुनाव आयोग ने जिन मापदंडों को तय किया था, हमारा कंटेंट उस पर खरा उतरा। इलेक्शन कमीशन ने न्यूज स्टेट को वोट गुरु कैंपेन को चुनाव आयोग ने सर्वश्रेष्ठ अभियान माना और इसके लिए राष्ट्रपति ने नेशनल मीडिया अवार्ड से नवाजा। राष्ट्रपति के हाथों मिला ये सम्मान मेहनत और ईमानदारी का है। ये अवार्ड भीड़ से अलग रहने और कुछ अलग करने का प्रमाण है। ECI इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है न्यूज स्टेट MPCG न्यूज नेशन नेटवर्क को। वोट गुरु अभियान के माध्यम से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान मतदाता जागरूकता के लिए चुनावों और मतदान अधिकारों पर जानकारीपूर्ण कवरेज प्रदान करने के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल को बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस अवार्ड को आज ले पाए, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी हमारी सिलेक्शन की प्रोसेस रहती है। न्यूज़ के अतिरिक्त किस तरीके का अभियान आप चला रहे हैं वोटर्स को जागरूक करने के लिए, वोटिंग स्टेशंस पे लाने के लिए, उसको कवरेज करने के लिए, ये सब चीज़ हम देखते हैं। जिस वोट गुरु को सबसे सर्वश्रेष्ठ कैंपेन माना गया, वो वाकई नाम के अनुरूप अलग भी था। इसमें हम सब ने वोटरों को जागरूक तो किया ही, इसके साथ ही फर्स्ट टाइम वोटर्स से संवाद भी किया और वोटिंग के लिए प्रेरित भी किया। वोट वाली सेल्फी कैंपेन, इसमें हमने ज्यादा से ज्यादा वोटिंग की अपील की, साथ ही वोटर से वोटिंग के बाद की सेल्फी भी मंगवाई। चर्चा चौराहा, 23 की टक्कर जैसे कार्यक्रमों में भी सिर्फ सियासी समीकरण नहीं दिखाए, बल्कि इस बात का भी ख्याल रखा कि वो इंफॉर्मेटिव हो और वोटरों को अवेयर करने वाला हो। सफलता के शिखर को छूने के बाद उमंगे आसमान पर, आगे और बेहतर करने का संकल्प। टीम न्यूज स्टेट। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को नेशनल अवार्ड मिलने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बधाई दी है। क्या कुछ कहा विष्णुदेव साय ने, सुनाते हैं आपको। न्यूज स्टेट छत्तीसगढ़ को निर्वाचन आयोग ने पुरस्कृत किया है चुनाव के समय उनके अच्छे कार्यों के लिए। उनको बहुत बहुत हमारे तरफ से भी बधाई है, इसी तरह से आगे काम करते रहें।